संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु ऐतिहासिक अश्वमेध महायज्ञ राष्ट्रम वा अश्वमेधः कहकर ऋषियों ने जो परिकल्पना की थी उस परिकल्पना को अखिल विश्व गायत्री परिवार के माध्यम से पूरा होते हुए देखा जा रहा है। साल 1992 में गायत्री परिवार के संस्थापक युग ऋषि युगव्यास पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी शर्मा जी के सूक्ष्म मार्गदर्शन में ये अभियान सतत चल रहा है। अब इस अभियान को अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या एवं श्रद्धेया शैल दीदी के मार्गदर्शन में कुशलता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में अश्वमेध महायज्ञ का ये अभियान जब मुंबई पहुंचा तो इसकी आभा देखते ही बनी। गायत्री यज्ञ ही तो आइए आइए, गायत्री यज्ञ ही तो आइए आइए, विश्व को विनाश से बचाइए आइए, विश्व को विनाश से बचाइए आइए, गायत्री यज्ञ ही तो आइए आइए, गायत्री यज्ञ ही तो आइए आइए, विश्व को विनाश से बचाइए आइए, विश्व को विनाश से बचाइए आइए। 47वां मुंबई अश्वमेध महायज्ञ संपूर्ण विश्व को एकत्रित करके आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ जागृति सामूहिक कल्याण और सद्भाव के पथ पर आगे ले जाने के उद्देश्य से आयोजित अखिल विश्व गायत्री परिवार का अश्वमेध यज्ञ कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मुंबई अश्वमेध महायज्ञ के लिए भूमि पूजन जून 2023 में युवा आइकॉन आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ और महाअनुष्ठान की तिथि नियत की गई। छत्रपति शिवाजी की ये भूमि, वीर सावरकर की ये भूमि और लोकमान्य तिलक की ये भूमि, आप सोच करके देखिए, त्र्यंबकेश्वर भगवान की ये भूमि, कृष्णेश्वर भगवान की भूमि, नागेश्वर भगवान की भूमि, भीमा शंकर भगवान की भूमि, ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की भूमि पर भगवान ने कुछ विशेष अनुकंपा करी, कुछ विशेष सोचकर यहाँ पर संतों को, साधकों को, तपस्वियों को, शूरमाओं को, पराक्रमियों को एक के बाद एक पैदा किया है। ज्ञान के हिमालय यहाँ पर हैं, भक्ति के सागर यहाँ पर हैं, पराक्रम की चट्टाने आपको यहाँ देखने को मिलती हैं और विवेक वैराग्य के शिखर यहाँ देखने को मिलते हैं। गायत्री परिवार की ओर से जो संकल्प, जो विचार छत्रपति शिवाजी महाराज ने समाज के सामने प्रस्तुत किया था, उसी विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प इसी पवित्र भूमि पे जो उत्सव वर्षभर होने वाला है, वह अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया है। अश्वमेध महायज्ञ का भव्य आयोजन जो हमारे पर्यावरण को सभी दोषों से मुक्त करने के महान उद्देश्य के साथ आयोजित किया जा रहा है, हमारे समाज के लिए अत्यधिक महत्व रखता है। अश्वमेध यज्ञ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, इसने लोगों पर गहरा सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रभाव डाला। अश्वमेध यज्ञ के एक एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य किया, विभिन्न क्षेत्रों और पृष्ठभूमि के लोगों के साथ एक साथ लाया, उनके बीच समुदाय और एकता की भावना को बढ़ाया।
इसी तरह आज हम जिस अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत कर रहे हैं वह हमारे समाज के लिए गहरा संदेश लेकर जा रहा है। यज्ञ स्थल के निर्माण में आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी से मार्गदर्शन लेकर संपूर्ण निर्माण विभाग, यज्ञशाला निर्माण, जलापूर्ति, भोजनालय, प्रदर्शनी आदि टीम ने कई महीनों से खूब मेहनत की। प्रभु श्री राम के रीछ वानर की भांति पूज्य वर के अंग अवयवों ने इसमें श्रमदान किया। जंगल सा दिखने वाले इस स्थल को मनोरम स्थल के रूप परिणत किया। लंबे इंतजार के बाद वो समय आ ही गया जब भव्य कलश यात्रा से इस महायज्ञ अभियान का आरंभ हुआ, जिसमें पीत वस्त्रधारी महिलाएं 11,000 से अधिक कलश सिर पर लेकर शामिल हुई। इस कलश यात्रा में विभिन्न राज्यों की संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। कण में ईश्वर को देखने का बल देने वाला गायत्री परिवार का ये अश्वमेध महायज्ञ यज्ञशाला तक ही नहीं बल्कि बाहर की प्रयोगशाला में भी प्रभावशाली है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन और सनातन संस्कृति के उत्थान के उद्देश्य से महानुष्ठान देश विदेश में किया गया। लगभग 240 एकड़ के विराट मैदान में 1008 हवन कुंडों में आहुति देने आए लाखों श्रद्धावान जो मनुष्य बनकर आए और देवता बनकर गए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, गायत्री परिवार का कोई भी आयोजन इतनी पवित्रता से जुड़ा होता है कि उसमें शामिल होना अपने आप में सौभाग्य की बात होती है। कि ये अश्वमेध यज्ञ आचार्य श्रीराम शर्मा की भावनाओं को आगे बढ़ा रहा है। आज गायत्री परिवार का अश्वमेध यज्ञ सामाजिक संकल्प का एक महाअभियान बन चुका है। इस अभियान से जो लाखों युवा नशे और व्यसन की कैद से बचेंगे, उनकी वो असीम ऊर्जा राष्ट्र के निर्माण में काम आएगी। श्रीराम शर्मा जी के तर्क, उनके तथ्य, बुराइयों के खिलाफ लड़ने का उनका साहस, व्यक्तिगत जीवन की शुचिता सबको प्रेरित करने वाली रही है। आप जिस तरह आचार्य श्रीराम शर्मा जी और माता भगवती जी के संकल्पों को आगे बढ़ा रहे हैं, ये वास्तव में सराहनीय है। मुझे विश्वास है कि व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के इस महाअभियान में हम जरूर सफल होंगे। इसी संकल्प के साथ एक बार फिर गायत्री परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म प्रेमियों, अश्वमेध का मिलकर चलो विधान करें, मानवता के महायज्ञ से जन जन का उत्थान करें। जन जन का उत्थान।
का मिलकर चलो विधान करें। मानवता के महायज्ञ से जन जन का उत्थान करें। इस अश्वमेध की पावन भूमि पर दिग्गज हस्तियों का भी आगमन हुआ। सभी के विचार एक ही ओर इशारा करते नजर आए कि मानवता के कल्याण हेतु सभी को एक साथ आना होगा और भारतवर्ष को विश्व पटल पर अपनी भूमिका निभाते हुए अग्रणी रहना होगा। प्रभु श्री राम ने त्रेता युग में किया जो धर्म स्थापन, किया जो धर्म स्थापन, कलयुग में भारत से हो रहा उसका माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा, अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा आयोजित अश्वमेध महायज्ञ के इस दिव्य एवं भव्य आयोजन में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे सचमुच सुखद अनुभूति हो रही है। मैं यहां पर स्वयं महसूस कर रहा हूं कि यहां का वातावरण सामान्य नहीं है, बल्कि यहां का वातावरण दिव्य है। यहां का वातावरण पूरी तरह से आध्यात्मिक है। आज हम सब मुंबई में इस वैश्विक परिवार द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ में एकत्रित हुए हैं, जो कई मायनों में दुनिया को यह एक विशेष संदेश देता है। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले राजनेता ऐसे समागमों में भाग लेंगे तो निश्चित रूप से राजनीति शब्द का खोया हुआ वह अर्थ और भाव पुनः वापस होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा, अखिल विश्व गायत्री परिवार के समाज तथा राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका रही है। देश कैसे आगे बढ़े, समाज कैसे आगे बढ़े, हम समाज के लिए हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। ऐसा काम करें तो निश्चित रूप से समाज में अच्छे कार्य करने वालों की संख्या बढ़ जाती है और समाज को इसका फायदा होता है, समाज आगे बढ़ता है। और गायत्री परिवार का हर एक सदस्य इसी भावना से काम करता है कि हम समाज को क्या देंगे, हम मुझे क्या मिला इससे मैं समाज को क्या दूंगा, मुझे क्या मिला इससे मैं देश को क्या दूंगा, ये समझकर आप लोग काम करते हो। और इसलिए मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। राज्य की सर्वोच्चता और एकता को स्थापित करने के लिए यह यज्ञ है। आज गायत्री परिवार भी इस यज्ञ का संचालन करके देश की जनता की समृद्धि, सुरक्षा और कल्याण की प्रार्थना कर रही है। देखिए, ये देश के लिए, समृद्धि के लिए, शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, विकास के लिए ये आपका यज्ञ आपने किया है। यह अश्वमेध यज्ञ भी भारत में शांति सच्चाई का राज्य स्थापित करने में सहायक बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने कहा, अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को, माता भगवती देवी शर्मा जी को शत शत नमन करता हूँ कि उनके प्रेरणा से आज अखिल विश्व गायत्री परिवार एक विश्व का गायत्री परिवार बन गया है, जो नव चेतना के साथ नहीं सिर्फ देश को बल्कि दुनिया को एक चेतन की ओर और चेतन चेतना के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। श्री राम शर्मा आचार्य जी ने और भगवती देवी जी ने लाखों परिवारों को गायत्री परिवार के साथ जोड़ा और एक नई चेतना, और नई चेतना के साथ साथ जो हम कहते हैं कि सात्विकता की ओर चलने का जो प्रयास था उसमें उन्होंने लाखों परिवारों को जोड़ा। और मुझे लगता है कि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो हम सब लोगों को दिव्यता की ओर, अध्यात्म की ओर
और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा, हम सभी जानते हैं आदरणीय परम पूजनीय पंडित श्री राम शर्मा जी और गायत्री परिवार ने यज्ञ की परंपरा को फिर एक बार वैश्विक स्वरूप दिया और उसी के चलते आज हमारी सनातन संस्कृति और हमारी यज्ञ की संस्कृति जो पूर्ण रूप से विज्ञान पर आधारित है और विश्व शांति की कामना और मनुष्यों को उत्तम आचरण मिले इस प्रकार की कामना जिसके माध्यम से होती है, ऐसे इन कार्यों को आज विश्व तक पहुंचाने का काम गायत्री परिवार ने किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी संस्कृति में गायत्री परिवार का जो योगदान है वो बहुत बड़ा है, जिसको हम आंक नहीं सकते, इस प्रकार का ये योगदान है। मैं इसलिए उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये यज्ञ तो सभी के लिए है, हमने सभी के शांति की कामना, सभी के मंगल की कामना की है। हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, ये हमारा मंत्र है। और उसके साथ साथ सभी को नशा मुक्त करने का भी अभियान यहाँ पर चल रहा है। महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल श्री रमेश बैस जी ने कहा, यह निश्चित ही परम पूज्य गुरुदेव की कृपा है जिसने मुझे उस शुभारंभ का साक्षी बनाया जब इस अश्वमेध यज्ञ के भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा था। आपको यह जानकर और भी अधिक आश्चर्य होगा कि ठीक उस अवसर के उपरांत मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे परम पूज्य गुरुदेव मुझसे यह कह रहे हो कि तुम्हें इस अति महत्वपूर्ण राज्य की पद पर प्रतिष्ठित करने का उद्देश्य समाज सेवा के कार्यों में और भी अधिक गतिशीलता लाना है, जिससे युग निर्माण योजना यथासंभव पूर्ण हो सके। जिस ऋषि सत्ता की साधना से यह संभव हो सका है, मैं उस सत्ता के चरण वंदन करता हूँ। ऐसे महान ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिनके तप की ऊर्जा का प्रतिफल इस रूप में मिल रहा है। यह प्रथम अश्वमेध यज्ञ जो व्यसन मुक्त आयोजित किया जा रहा है, अखिल विश्व गायत्री परिवार ने सप्तसूत्री आंदोलन के अंतर्गत व्यसन मुक्ति अभियान रखा है। महाराष्ट्र के वन एवं संस्कृति मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा, इतनी संख्या में मातृ शक्ति का दर्शन मैं यहां कर रहा हूं। आज 5 दिवसीय मुंबई में अश्वमेघ महायज्ञ का शुभारंभ ज्योत प्रज्वलित करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने किया है। ये 5 दिवसीय 1008 अश्वमेघ कुंडीय यज्ञ ये सिर्फ वायुमंडल के प्रदूषण को प्रदूषण से शुद्ध नहीं करेगा, तो वायुमंडल पर्यावरण के प्रदूषण से तो मुक्ति दिलवाएगा, मगर मेरा विश्वास है कि यहां पे जो विचारों का यज्ञ होगा वो हमारे मन के प्रदूषण को भी दूर करेगा। हमें मन की शुद्धता गायत्री परिवार के माध्यम से निश्चित रूप से प्रदान करेगा। अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने कहा, इस अश्वमेध यज्ञ की तैयारी हमने बड़ी शानदार ढंग से की थी। बहनों की, भाइयों की, सबकी टोली बनाकर सबके माध्यम से इस कर्मकांड को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मुंबई वासी हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मेहनत करके
इस यज्ञ की तैयारी की। खार घर में उन्होंने पूरी पूरी तैयारी करी और सब कुछ करने के बाद उन्होंने कोशिश की कि हम इसको ऐतिहासिक स्तर का बनाएं, राजधानी स्तर का बनाएं। कितने सारे लोग बाग आए जो मुंबई से जुड़े हुए थे, वो भी आए और सभी परिजन, पूरा मुंबई, पूरा महाराष्ट्र और पूरा देश और पूरे विश्व के परिजन, प्रवासी भारतीय सब आए। आप सबको जय गुरुदेव, मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद। शांति कुंज की अधिष्ठात्री स्नेह सलीला श्रद्धेया शायल दीदी ने कहा, यज्ञ हमारे लिए सत्कर्म है, गायत्री सद्ज्ञान है, तो यज्ञ सत्कर्म है। गायत्री इतना शक्तिशाली मंत्र है कि ये कहा जाता है कि अगर सारे विश्व के लोग आधे भी 3 घंटे तक एक साथ जप करना शुरू करें तो उनकी सामूहिक ऊर्जा जो निकलेगी वो ऊर्जा 60,000 खरब मेगावाट के बराबर निकलेगी और वो शक्ति इतनी ज़्यादा होगी कि वो सारे विश्व में घंटों प्रकाश कर सकती है। अभी तक यज्ञ का मतलब हम केवल हवन करना या स्वाहा करना ही समझते रहे, लेकिन यज्ञ का एक मूल मंत्र, मूल जो है उसकी, उसमें आता है यज्ञ आहुति देने के बाद इदम नमम, ये मेरा नहीं, ये समाज का है, ये देव कार्यों के लिए है। अब तक अपनी जिंदगी जी है लेकिन ये समाज की जिंदगी, जहाँ ये परंपराएं होती हैं कि हम दूसरों के लिए जीते हैं, वहाँ यज्ञ आदमी के जीवन में फलता हुआ चला जाता है। अश्वमेध महायज्ञ समिति के प्रमुख युवा आइकॉन आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने कहा, एक परिवार को बनाने में व्यक्ति को जीवन भर लग जाता है, हाथ पैर फूल जाते हैं। 4 लोगों को बांधे रखने में न व्यक्ति का श्रम जाता है, शरीर जाता है, भावनाएं जाती हैं, और उनको भी व्यक्ति कई कई बार ढंग से बांध पाने की स्थिति में नहीं होता। और जब हम लोग करोड़ों लोगों को एक श्रद्धा के धागे में पिरोया हुआ पाते हैं, एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित पाते हैं, एक ही शक्ति के आगे झुका हुआ पाते हैं, अनेकों लोग ऐसे हैं जिनने गुरुदेव को देखा, माता जी को देखा, अनेकों ने सिर्फ पढ़ा, अनेकों ने सिर्फ सुना, और कई तो ऐसे हैं जिनने न पढ़ा न सुना न देखा और तब भी उसी श्रद्धा, उसी भावना, उसी समर्पण, उसी त्याग, उसी बलिदान के साथ गुरुदेव के काम को करने के लिए खींचे चले आते हैं, दूर दूर से कहीं कहीं से चले आते हैं। ऐसा लगता है कि कोई अनेक अज्ञात शक्ति है जो उन लोगों को जहाँ वो बैठे हैं वहाँ से खींच खींच करके बुला रही है और उनको कह रही है कि इस महाआयोजन में तुम्हें अपनी भूमिका को निभाने के लिए आगे आने की आवश्यकता है। संस्कार जो है, देखिए आज की पीढ़ी में थोड़े कम दिखाई पड़ते हैं। लोग कहते हैं कि दीदी हमारे बच्चों में संस्कार नहीं है, कहाँ से लाएं इनको संस्कार, कैसे सिखाएं। तो संस्कार ऐसी चीज़ है जो घर से ही मिल सकती है। यदि आप संस्कारवान हैं तो आप बच्चों को संस्कारवान बना सकते हैं। आप पूजा पाठ नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ से पूजा पाठ करेंगे, या बच्चों को क्या पता कि हमें क्या, किस तरह से किससे बात करनी चाहिए, किसको सम्मान देना चाहिए, या हमसे ही सीखते हैं। जो हम करेंगे जो बच्चे वैसा ही करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ है कि हम खुद को भी उनके अनुसार करना पड़े, जब बच्चों को सिखाना है तो हमको भी वो कार्य करने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मुंबई की इस पवित्र भूमि पर सैकड़ों एकड़ के प्रांगण में पीत वस्त्रधारी जब गायत्री परिवार के इन कार्यकर्ताओं को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है परम पूजनीय गुरुदेव ने जो कहा था, हम युग का निर्माण करेंगे, ये संकल्प हमारा है, ये पूरा होगा। बहनों और भाइयों, वो दृश्य मुझे भूलता नहीं है। बचपन में मेरे हाथ में किताब लगी अखंड ज्योति, और अखंड ज्योति मैंने पढ़ना शुरू किया। अनमोल है, अमूल्य है, और अनमोल और अमूल्य इसलिए कि जीवन की दिशा बदलने वाला है। और तभी मैंने जाना परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय आचार्य श्री राम शर्मा, और तब से मेरे मन में उत्कट इच्छा पैदा हुई कि कैसे भी गुरुदेव के दर्शन हो जाएं।
इस भव्य आयोजन में विभिन्न संस्कार भी कराए गए, जिसके माध्यम से बच्चों से लेकर बड़ों तक को संस्कार प्रस्फुटित होने का असल महत्व समझ आया। धर्म प्रेमियों अश्वमेध का मिलकर चलो विधान करें, जन जन का उत्थान करें, जन जन का उत्थान। एक तरफ हिमालय की गोद तो दूसरी तरफ परम पूज्य गुरुदेव का भव्य साहित्य संकलन सबके लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो प्रदर्शनी में मौजूद खास कलेक्शन भी देखने को मिल गया। सुव्यवस्थित वातावरण में हर मुमकिन जन सुविधा उपलब्ध कराई गई, ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का अनुभव प्रेरणादायक रहे। जीवन के यथार्थ को जानो, लेके गीता ज्ञान, लेके गीता ज्ञान, लेके गीता ज्ञान। जग हित में जागे जन जन, आओ करें। इस भव्य और दिव्य मुंबई अश्वमेध महायज्ञ महाअभियान की जितनी ही चर्चा की जाए वो उतनी ही कम है। एक ऐसी अलौकिक अलख जिसने अंतर मन की चेतना को जागृत किया और दूसरे में भी इस अलख को जगाने का काम किया। शत शत तुम्हें प्रणाम गुरुवर, शत तुम्हें प्रणाम गुरुवर, बारंबार प्रणाम। तन मन अर्पित भाव समर्पित, तन मन अर्पित भाव समर्पित, सेवा हो निष्काम गुरुवर, बारंबार। वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे यूट्यूब चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।